हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट कभी होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इसका जो है फिजिकल का एग्ज़ाम हो चुका है, यानी कि फिजिकल का जो मेजरमेंट टेस्ट हुआ था आपका वो ऑलरेडी हो चुका है जुलाई मंथ में ही। लेकिन उसके बावजूद काफ़ी समय बीत गया और अभी तक जो है इसका एडमिट कार्ड नहीं आया इसके रिटर्न एग्जामिनेशन का। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कब से आपका स्टार्ट होने वाला एग्ज़ाम डेट और क्या एक्सपेक्टेड डेट है, तो सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं इस एग्ज़ाम के। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट न्यूज चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, जब भी कोई नया सरकारी फॉर्म आता है तो उसके नोटिफिकेशन से लेकर उसके फाइनल रिजल्ट तक, यानी कि पूरी की पूरी अपडेट जो है हम आपको स्मार्ट न्यूज चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। चलिए देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी मेंशन इन द एडमिट कार्ड, यानी कि आपके एडमिट कार्ड के अंदर मेंशन होगा। ऑफकोर्स वो तो होगा ही। और देख लीजिए यहाँ पे वेबसाइट पे क्या दिया हुआ है कि हाइट बार टेस्ट, एचबीटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, ये तीन स्टेप यानी कि 1, 2, 3, ये जो ऑलरेडी तीन स्टेप है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब रहा आपका रिटर्न एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ एग्जामिनेशन टेस्टिमोनियल, यानी कि एक तीन तो ये आपका हो गया और बाकी के तीन आपके बाकी हैं, यानी कि रिटर्न एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जब ये तीन हो चुका है तो इसका अभी तक क्यों नहीं आया इसका एग्ज़ाम डेट, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या ऐसा समय लग रहा है? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो है मैसेज कर रहे हैं सर कब से इसका एग्ज़ाम होगा, काफ़ी लंबे समय से जब तैयारी हो जाती है तो उसका एग्ज़ाम डेट नहीं आता, तो लोग काफ़ी परेशान होने लगते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न में हाइट बार टेस्ट HBT विल बी कंडक्टेड फर्स्ट, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट एंड चेस्ट विल बी मेजर्ड अंडर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये तो आप सबका हो चुका है ऑलरेडी, और क्या क्या क्राइटेरिया रहे वो भी एक बार हम देख लेते हैं। कैंडिडेट एक्सपेक्टेड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 165 सेंटीमीटर मेल, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, और चेस्ट मेल के लिए देखिए 77 to 82 सेंटीमीटर। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी 762.5 सेंटीमीटर मेल के लिए, 150 सेंटीमीटर फीमेल्स के लिए, और चेस्ट है मेल के लिए 76 to 81 सेंटीमीटर। बाकी गोरखा वगैरह कॉमिकरी गोरखा डोगरास के लिए 162.5 150 सेंटीमीटर फॉर लेडीज एंड 77 to 82 सेंटीमीटर फॉर जेंट्स चेस्ट। नोट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर टोटल रिलेक्शन इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स, यानी कि उन्हें पूरा का पूरा जो है रिलेक्शन है, उनको कोई भी टेस्ट नहीं देना होगा एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। नोट, अब देखिए क्या दिया, कैंडिडेट्स कैन चेक द डिटेल्स सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम सिलेबस 2009 फ्रॉम द लिंक मेंशन अंडर। जी, आपको सिलेबस के लिए यहाँ पे आप जाके क्लिक करके चेक कर सकते हैं क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, बट हम आपको बता देते हैं इसमें कि कैसे कैसे आपका देखिए होने वाला है। तो देख सकते हैं आपके सामने मैंने देखिए सिलेबस ओपन कर रखा है। द क्वेश्चन विल बी इंग्लिश बायलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग फॉर नेक्स्ट स्टेज विल बी अंडर 35% जनरल और एक्स सर्विसमैन के लिए, और SC ST OBC के लिए 33% है पासिंग मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, ये पासिंग मार्क्स है, इतने परसेंट मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अब देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर 35% फॉर जनरल, एक्स सर्विसमैन 35% इसके लिए। अब एग्जाम सिलेबस की बात कर ले तो आपके लिखे इन जनरल इंटेलिजेंस, उसमें आएगा आपको एनालिटिक एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व डिस्टिंग्विश पैटर्न्स विल बी टेस्टेड। उसके बाद जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए जनरल नॉलेज में तो आपको पता है क्या क्या पढ़ना होगा आपको, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, साइंस, जनरल साइंस, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर। उसके बाद आएगा आपका जनरल इंग्लिश और हिंदी। कैंडिडेट्स एबिलिटी फॉर अंडरस्टूड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रहेंशन एंड रिटन एबिलिटी वुड बी टेस्टेड, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन एरर रिकॉग्नाइजेशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, वर्ब्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सभी कुछ आपको जो है इंग्लिश में पूछा जाएगा। उसके बाद आएगा आपका मैथमेटिक्स यानी अरिथमेटिक्स। अरिथमेटिक्स में देखिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट है, इंटरनेट इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो है, टाइम है, टाइम एंड वर्क है, नंबर सिस्टम, ये सभी जो है इस प्रकार जो है आपको सिलेबस है दोस्तों। और इसका जो एक्सपेक्टेड डेट, जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए आप काफ़ी समय से जो वीडियो देख रहे हैं और आपको पता है कि आपका जो एक्सपेक्टेड डेट है, जी हाँ दोस्तों, वो आपका दोस्त अक्टूबर महीने में ही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपका एग्ज़ाम इसी महीने के जो है 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेक्टेड डेट है जी, हमने बात की है दोस्तों, और काफ़ी जो लोगों से बात करने के बाद हमने पता चला कि 20 अक्टूबर के आसपास में आपका जो है इसका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, और आपको सेकेंड वीक यानी कि लगभग 15 तारीख के आसपास से आपको एडमिट कार्ड जारी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और कुछ जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर स्मार्ट न्यूज चैनल पर पहली बार विजिट करें तो स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ।